आत्मा की आत्मा का गुरु इस तरह की चर्चा 34वें नंबर के श्लोक में हमने की। भावार्थ की चर्चा भी कल पूरी हो गई। अब यहाँ पे शिष्य एक प्रश्न खड़ा करने वाला कि यदि आप ऐसा कहते हो कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो फिर जगत में जो गुरु कहे जाते हैं आचार्य आदि, उनका क्या होगा? सीखने सिखाने की जो व्यवस्था है उसका क्या होगा? जो स्कूल कॉलेज आदि चल रहे हैं, पाठशालाएं चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, तो ये व्यवस्था बनेगी कैसे? यदि आप ये कहते हो कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो फिर आप स्वयं क्यों बैठे हो सिखाने के लिए? मानी इस तरह के प्रश्न यहाँ पे उठने वाले, वही प्रश्न यहाँ पे आप शिष्य भी उठा रहे हैं। यहाँ शिष्य आक्षेप करके कहता है, इस प्रकार अग्नि की उपासना प्राप्त नहीं होती। अर्थात हे भगवान, उक्त नीति के अनुसार परमे गुरु पने का अभाव होने पर मुमुक्षु को धर्माचार आदि की सेवा प्राप्त नहीं होती। मुमुक्षु धर्माचार आदि की सेवा करने योग्य नहीं रहते, ऐसा भाव। परंतु ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा कहने में अब सिद्धांत का प्रसंग आता है। ऐसा कहने वाले शिष्य के प्रति उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, शिष्य का प्रश्न इतना सा है कि यदि हम आत्मा को ही आत्मा का गुरु मानेंगे, तो फिर अन्य में गुरु पना कैसे स्थापित होगा? पंच परमेष्ठियों में भी अधंत और सिद्ध ये भगवान है, और आचार्य उपाध्याय साधु ये गुरु, उनमें वो गुरु पद स्थापित कैसे हो? यदि स्वयं ही आत्मा का गुरु है, तो फिर जो अन्य में गुरु पद स्थापित करते हैं, सीखने सिखाने की जो व्यवस्था है, तो वो कैसे स्थापित हो? और यदि सामने वाले को हम गुरु नहीं मानेंगे, तो फिर उनकी सेवा कैसे कर, क्यों कर? मानी सारे प्रसंग खड़े होने वाले, तो उसका समाधान आचार्य क्या करते? श्लोक क्रमांक 35, प्रश्न क्रमांक 88। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु, गतिर् धर्मास्ति कायव। कितना सुंदर उत्तर यहाँ पे दिया है। ना अज्ञो विज्ञत्वम आयाति कि नहीं, अर्थात जो अज्ञ व्यक्ति, नाज्ञो कि जो अज्ञ अर्थात अज्ञानी व्यक्ति है, उसके विज्ञत्वम आयाति कि उसको विज्ञत्व अर्थात विद्वत्पना नहीं आता। माने जो अज्ञानी है वह ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति, और जो विज्ञ है अर्थात ज्ञानी है, उनको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर् धर्मास्ति कायव। जो बाहर में व्यवहार में गुरु है, किसी ने सिखाया है, समझाया है, ऐसा कहना निमित्र मात्र है। मानी ऐसा कहना मात्र निमित्त,
ये निमित्त का कथन है, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायम। यह उदाहरण दिया, जैसे चलने में धर्म द्रव्य निमित्त है, रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त है, उसी तरह कोई समझाने वाला है, कोई सिखाने वाला है, ऐसा कहना ये निमित्त का कथन है। कोई सिखाता है तो मात्र निमित्त है, लेकिन वास्तव में तो नाग्यो विज्ञत्व माया की, कि अज्ञानी को कभी ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और ज्ञानी को कभी अज्ञानी नहीं किया जा सकता। ऋषि का प्रश्न क्या था? तब आत्मा ही आत्मा का गुरु हो तो बाहर में गुरु पना कैसे स्थापित हो? तो आचार्य ने ऐसे खुश करने के लिए उत्तर नहीं दिया कि नहीं नहीं आपकी बात भी सही है, वस्तु स्थिति तो ये है ना, वास्तव में तो आत्मा ही आत्मा का गुरु और बाहर में जो गुरु पना स्थापित है वो निमित्त मात्र है। तो निमित्त की अपेक्षा कथन किया गया है, और निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता। पर दूसरी बात यह है कि जब कार्य की उत्पत्ति होती है तो उपस्थित हो, माने निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, ये भी 100% बात सत्य है, लेकिन निमित्त से कार्य होता है ये 100% गलत बात है। कार्य की उत्पत्ति में निमित्त की मौजूदगी होगी ही होगी, लेकिन निमित्त से कार्य होता हो कि ऐसा नहीं कि कार्य अपनी उपादान का योग्यता से हो, और जब उपादान का योग्यता पकती है तो निमित्त वहां मौजूद होते ही होते। जो पुरुष अज्ञानी है, अज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, वह विज्ञत्व न आयाति, वह विज्ञ नहीं हो सकता। और जो विशेष ज्ञानी है वह अज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे जीव पुद्गल की गति में धर्मास्ति काय निमित्त मात्र है, उसी तरह अन्य पदार्थ भी निमित्त मात्र ही, कि अज्ञानी ज्ञानी नहीं बन सकता और ज्ञानी अज्ञानी नहीं बन सकता है। तो ये जो मात्र समझाने नहीं समझाने का प्रसंग आता है कि ये ऐसा ही है, जैसे धर्म द्रव्य चलने में निमित्त होता है, अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त होता है, उसी तरह समझाना ये निमित्त मात्र है। देखिए टीका भद्र, अज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य अभव्यादि जीव धर्माचार्य आदि के हजारों उपदेश से भी विज्ञत्व को तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहा? कि जो अज्ञानी है तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, वह धर्माचार्य आदि के हजारों उपदेश भी क्यों ना सुन ले, लेकिन उसे विज्ञत्व पना ज्ञान जागृत नहीं होता। माने जिसकी स्वयं की योग्यता नहीं पकी हो तो हजारों उपदेश भी क्यों ना दिए जाए, क्यों ज्ञानी नहीं बनता। कहा भी है कि किसी कार्य की उत्पत्ति में स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती, सैकड़ों व्यापारों से प्रयत्नों से भी बगुला तोते की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता। कितना भी प्रयास कर लिया जाए लेकिन जिस तरह तोता बोलना सीख जाता है, माने जो उसे रटाया जाए वो बोलने लगता है, कि उस तरह की योग्यता बगुले में नहीं पाई जाती, क्योंकि किसी भी कार्य की उत्पत्ति में स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती। प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वाभाविक क्रिया है, अपना स्वभाव है, और तद अनुरूप ही वो परिणमन करता है। तो किसी भी कार्य की उत्पत्ति में स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती है। अब किसी में यदि वह गुण है ही नहीं तो तद अनुरूप परिणमित कैसे? यदि वो उपादान तक योग्यता उस रूप नहीं पकी है
बाहर में कितने ही निमित्त मौजूद क्यों ना करा दिए जाए, लेकिन वो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अब इसी तरह विज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान से परिणत जीव हजारों उपायों से भी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता, अर्थात तत्व ज्ञान से परिभ्रष्ट नहीं होता है। कि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो और हजारों गुरु भी उपदेश देने आ जाए तो भी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, अज्ञानी नहीं बनता। तो इस तरह आचार्य सिद्ध कर रहे हैं कि अज्ञानी ज्ञानी नहीं बनता और ज्ञानी अज्ञानी नहीं बनता। इसीलिए ही सिद्ध होता है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बाहर में जो गुरु पना कहने में आता है वह मात्र निमित्त है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी होते हैं और 30 के 30 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं तो कोई प्रथम स्थान प्राप्त करता है, कोई द्वितीय स्थान प्राप्त करता है, कोई सेकंड डिवीजन आता है तो कोई थर्ड डिवीजन आता है और कोई फेल भी हो जाता है। लेकिन गुरु तो एक ही थे, पढ़ाने वाले एक ही थे और पढ़ाने का तरीका भी एक ही। ऐसा नहीं है कि जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसको कुछ विशेष पढ़ाया हो और जो फेल हुआ हो जो उसको पढ़ाया ही ना। सबको एक समान शिक्षा दी है, एक समान पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रथम आता है और कोई अंतिम में आता है। कैसा कि निमित्त तो सबको एक जैसे ही मौजूद है ना। कि एक माता के दो बालक है, एक प्रथम आता है और एक एकदम डबल, तो माँ का आशीर्वाद किसको ज्यादा है, प्रथम आने वाले को या फेल होने वाले को? एक ही माता के दो पुत्र हैं। कि यदि हम ऐसा कहते कि माँ के आशीर्वाद से वो प्रथम आया है तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि माँ के आशीर्वाद से फेल हुआ। माने एक जगह तो पास हुआ है और दूसरी जगह फेल हुआ, कि ऐसे व्यवस्था कैसे बने कि माने तो दोनों को ही आशीर्वाद दिया। और यहाँ तो उल्टा है कि जो फेल होता है ना उसको ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। जगत में भी देखा जाता है कि कोई अच्छा पढ़ने वाला हो तो माँ भी कहती कि अरे ये तो निकल ही जाएगा, लेकिन हमें चिंता इसकी बनी रहती है। ये छोटे वाले की चिंता अधिक है, ये पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, इसकी चिंता थोड़ी अधिक बनी रहती है कि ये थोड़ा निकल जाए पास हो जाए। वो बड़ा वाला तो अपने आप पास हो ही जाएगा, उसकी चिंता नहीं कि आशीर्वाद किसको ज्यादा प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी अपनी अपनी उम्रता से पास या फेल होते हैं। वहां माँ का आशीर्वाद कहना वो निमित्त मात्र कर्तव्य है। कैसा आशीर्वाद से तो नहीं होते, लेकिन जो गुरु पढ़ाते हैं उससे तो पास या फेल की व्यवस्था बनती है ना। कि उससे भी कहाँ बनती है, एक ही गुरु कितने शिष्यों को पढ़ाते हैं, एक ही गुरु के पढ़ाए हुए जो अच्छी अच्छी नौकरी पे पहुंच जाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच जाते हैं, तो गुरु ऐसा कहे कि देखो ये मेरा शिष्य है, मैंने इसको पढ़ाया है, आज यहाँ पे है, आज यहाँ पे है, देखो ये मेरे शिष्य है, मैंने इनको पढ़ाया है। फिर उनसे कोई पूछे कि अरे एक शिष्य आपको सब्जी भी बेच रहा है सड़क पे, कि अरे चुप हो जाओ, क्यों चुप हो जाओ? कि यदि एक शिष्य आपका पढ़ाया हुआ बड़े बड़े पदों पे उपस्थित है तो फिर एक शिष्य ऐसा भी तो है। अरे उसकी बात मत करो, क्यों ना, यदि आपके पढ़ाने से वो इस पद पे पहुंचा है तो फिर आपके पढ़ाने से वो एक शिष्य सब्जी भी तो बेच रहा है। कि वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। ये जो व्यवस्था है समझने समझाने की,
कि मात्र निमित्त की अपेक्षा से कथन है, वास्तव में तो आत्मा ही आत्मा का गुरु। आदरणीय संजीव जी भाई साहब इस प्रसंग में शांतिनाथ भगवान के पूर्व भवों का वर्णन करते हैं, माने दसवें भव में जो शांतिनाथ भगवान दस भव पूर्व एक नगर के सेठ, और उस मतलब जो सेठ थे तो उन दंपत्ति को एक पुत्र की प्राप्ति, वो जब पुत्र बड़ा हुआ तो उनके घर में एक नौकरानी काम करने आया करती थी, और उस पुत्र को उस नौकरानी पे प्रेम हो गया, मोहित हो गया, और कहने लगा कि मैं विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा, अन्य किसी से नहीं करूंगा। तो उन सेठ ने माने जो शांतिनाथ भगवान के जीव दस वर्ष पूर्व, उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया कि अरे हमारी मान मर्यादा के विपरीत, यदि ऐसा कार्य होगा तो समाज में हमारी कोई मान मर्यादा नहीं रह जाएगी, ये कार्य करना उचित नहीं है। हजार बार उसको समझाया लेकिन उसको समझ में नहीं आया, और वो इसी बात पे अड़ा रहा कि यदि मैं विवाह करूंगा तो इसी से करूं। अब जब उनको समझ में आ गया कि ये तो मानने वाला नहीं, तो दोनों सेठ और सेठानी ने अपने मतलब आत्महत्या कर ली, और जो एक पत्र लिखकर गए उसपे वो सारी बातें लिखकर गए कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, और हम अपने पुत्र से ये अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में ये कार्य ना करें, और यदि करेगा तो हमसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए हम ये कदम उठा रहे। तो यहाँ तो ये सेठ और सेठानी चल दिए, और अब वो जब वो चल दिए और उस उनका पत्र जब उस बालक ने पढ़ा, तो बालक ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसको इतना वैराग्य आया कि उसको विवाह करने का भाव। अब ध्यान दें कि जब दोनों समझाने वाले थे वो सेठ सेठानी, जब साक्षात समझाने वाले थे, साक्षात उपदेश प्राप्त हो रहा था, तब तो समझ में नहीं आया, और मात्र एक पत्र पढ़ करके वो पूरी बात समझ में आ गई। अरे पूरी बात समझ में आई, ग्रंथों में यहां तक वर्णन है कि उन्होंने जनेश्वरी दीक्षा धारण की और उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति कर ली। कि कहां शांतिनाथ भगवान का जीव जो समझा रहा था कि अरे कार्य करना उचित नहीं है, वो तो दस भाव आगे जाकर के मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, और उनका पुत्र जो अज्ञानी दिखाई दे रहा था कि अरे इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कहां मोह में उलझा हुआ है कि वो जीव इतना समझा कि वो जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और तत्व मोक्ष लाती, बोले कौन किसको समझा सकता है। कि अरे जो समझाने वाले हैं वो यही रह गए, और जो समझने वाला था उन्होंने अपना कार्य कर लिया। कौन किसको समझा सकता है कि जब समझने का काल आता है तो निमित्त तो कोई भी बन जाते हैं। वो पत्र भी निमित्त बन गया, जहाँ साक्षात उपदेश देने वाले थे, समझाने वाले थे, वो रहे नहीं, और वो जो कागज का टुकड़ा है कितनी बातें लिखी होंगी उस पर, और ऐसा क्या नया लिख दिया होगा कि जो जीवित रहते हुए नहीं लिखा होगा, नहीं समझाया होगा। अरे कौन किसको समझा सकता है, ये विचारने योग्य बात है कि जब स्वयं की योग्यता पकती है तो कार्य स्वरूप हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि कोई किसी को विज्ञ नहीं बना सकता है, माने जो अज्ञानी है उसको ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है, और जो ज्ञानी है उसको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। कि हजारों उपदेश देने वाले हो तब भी ये कंपल्सरी नहीं है कि वो अज्ञानी ज्ञानी बन ही जाए, और हजारों टुकड़ों उपदेश देने वाले हो तब भी ये नियम नहीं है कि वो ज्ञानी अज्ञानी बने। कि निमित्त से कार्य नहीं होता, कि कार्य अपनी योग्यता से होता है। वो मारीची का जीव समस्त शरण में जाकर के भी ज्ञानी बना कि नहीं बना, कोरा का कोरा वापस आ गया,
अरे समक शरण जैसे निमित्त महा मिले हैं, तीर्थंकर जैसे निमित्त मिले हैं, और तब भी पूरा का पूरा वापस आ गया। और शेर की पर्याय है, जो जंगल में मांस भक्षण करते हुए कि उस समय उस अवस्था में उस सभ्य दर्शन की प्राप्ति कर, वाली जो हमारी अंदर एक मान्यता बैठ जाती है कि किसी जीव को देख करके अरे थोड़ा अज्ञानी हो अथवा विपरीत मार्ग पे हो, अरे इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के प्रति हम कषाय उत्पन्न करते हैं, क्रोध उत्पन्न करते हैं कि अरे कैसा जीव है, इतना समझाते हैं, बार बार समझाते हैं और समझ में नहीं आता। वर्तमान अवस्था देख करके ही कषाय करना उचित नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहना कि वो अज्ञानी है तो अज्ञानी ही रहे, कि हो सकता है कि आप अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो और वो आपसे पहले अपना कार्य कर रहे। कितनी देर लगती है समझ में आने में, ये देखते हो ज्ञानियों को बैराग आ जाता है और दीक्षा लेकर चले जाते हैं, कितना समय लगता है वो बैराग आने में, वो सफेद बाल देखे और बैराग आ गए। मैं आपसे पूछता हूँ, इससे पहले उन्होंने सफेद बाल नहीं देखे हो, बुलबुला फूटता हुआ देखा और बैराग आ गया, इससे पहले वो बुलबुले फूटते हुए नहीं देखे हो, वो बिजली चमकते हुए देखे और बैराग आ गया, मानी ये निमित्त है बैराग के, दिन रात हम भी तो ये सारी चीजें देख रहे हैं और आज तो देश दुनिया भर की चीजें देख रहे हैं, यदि इनसे बैराग्य आता हो फिर प्रत्येक प्राणी को डेली निरंतर बैराग्य आना चाहिए। तो जिसकी योग्यता भक्ति है तो बाहर में एक भी साधन मिल जाए, एक भी निमित्त मिल जाए तो उससे कार्य हो जाए, लेकिन अंदर योग्यता ना पकी हो तो हजारों निमित्त भी खड़े हो जाए तो उससे कार्य नहीं होती। वास्तव में तो निमित्त से कार्य नहीं होता है, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि जब भी कार्य होगा तो निमित्त की मौजूदगी होगी। और कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया कि जैसे चलने में धर्म द्रव्य निमित्त होता है, रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। छह द्रव्यों की जब हम परिभाषा पढ़ते तो उसमें धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य की जब परिभाषा पढ़ते तो उन सभी परिभाषाओं में एक शब्द मुख्य है निमित्त, कि जीव और पुद्गल स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, स्वयं अपनी योग्यता से जो रहते हैं उन द्रव्यों को रहने में जो स्थान प्रदान करने में निमित्त हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं, स्वयं परिणमित होते हुए द्रव्यों को जो परिणमन में निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते, निमित्त शब्द का मुख्य है कि ये सभी जो द्रव्य है ये निमित्त मात्र है, ऐसा नहीं कि धर्म द्रव्य चलाने वाला हो, कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। दो द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य और एक अधर्म द्रव्य, यदि धर्म द्रव्य चलाने वाला हो और अधर्म द्रव्य रोकने वाला हो किसकी चले हुए, तो ये बात धर्म द्रव्य कहेगा नहीं मैं तो चलाऊं, अधर्म द्रव्य कहेगा कि नहीं मैं कैसे चल रहे मैं तो रोकू, आपको मंदिर आने की भावना जागृत हो गई और धर्म द्रव्य की सहायता से आप चलने लगे और वहां अधर्म द्रव्य आके आपको रोक, नहीं मैं तो नहीं जाने को, मानो वस्तु व्यवस्था बनेगी कैसे, अरे ये तो जीव की स्वयं की योग्यता है चलने की और रुकने की, और उसमें निमित्त वो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य होते हैं। इसको समझाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे जल में वो मछली चलती है तो मछली को चलने में वो पानी निमित्त मात्र होता है, वो पानी चलाने वाला नहीं, यदि पानी चलाने वाला हो तो मछली तैरती ही जाए
लेकिन ऐसा तो नहीं, वो जहां रुकना चाहे वहां रुक जाती है, जिस डायरेक्शन में जाना चाहे उस दिशा में चली जाती है। ये संभव कैसे कि पानी चलाने वाला नहीं, हाँ लेकिन जब जब मछली तैरेगी तब तब पानी की मौजूदगी होगी, लेकिन पानी मछली को तैराने वाला हो चलाने वाला हो ऐसा नहीं। ऐसी अधर्म द्रव के लिए उदाहरण दिया कि कोई पति को हो और राह में चलते चलते एक पेड़ की छाया में आकर के बैठ जाता है तो उसको रोका किसने है, पेड़ की छाया ने रोका या स्वयं रुका? यदि ऐसा माना जाए कि पेड़ की छाया ने रोका है, कितनी पेड़ आए हैं रास्ते में, कितनी जगह वो छाया मिली थी, लेकिन वहां तो नहीं रुका और इसी पेड़ के नीचे आके रुका, जब वो स्वयं में योग्यता थी रुकने की तो वहां वो पेड़ की छाया निमित्त बने। पेड़ की छाया वो रोकने वाली नहीं है, हाँ लेकिन जब रुकेगा तो पेड़ की छाया वहां पे मौजूद होगी ही। बात समझना कि इसी तरह वो सभी द्रव्यों पे घटित है। यहाँ तो ये उदाहरण प्रस्तुत किया, माने वो धर्म द्रव्य को उदाहरण के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि जैसे धर्म द्रव्य चलने में निमित्त मात्र है, चलाता नहीं है, उसी तरह बाहर में जिनको हम गुरु कहते हैं वो समझाते हैं तो उनका समझाना निमित्त मात्र है, समझ में आना नहीं आना ये स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है। बाहर में तो निमित्त मात्र, समझ में आ गया तो ये निमित्त कहलाएंगे और समझ में नहीं आया। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में वो एक जीव, तो मारी जी का जीव तो पूरा का पूरा वापस आ गया, लेकिन इतने हजारों जीव भी तो ऐसे थे कि जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया, तो उनकी बात भी तो करो कि अरे उनको भी जो समझ में आया है तो स्वयं की योग्यता से समझ में आया, और समझ में आ गया तो समव शरण दिव्य ध्वनि को निमित्त कहा। छाई सम्यक दर्शन किसके पाद मूल में होता है? केवली के पाद मूल में होता है, तो मतलब केवली सम्यक दर्शन कराते हैं। यदि सम्यक दर्शन को अपनी योग्यता से ही प्रकट होता, यदि केवली भगवान के हाथों में ये व्यवस्था होती सम्यक दर्शन बांटने की तो प्रत्येक जीव को बांट देते। तीर्थंकर की भावना, तीर्थंकर बनते कब है, इस भावना से ही तो बनते हैं कि जगत का कल्याण हो, तो उनके अंदर तो यही भावना है कि प्रत्येक जीव को अपना कल्याण कर ले, लेकिन भावना ही है कर सकते हैं, माने बहुत शांति से विचार करने योग्य बातें हैं, या किसी का अपमान या सम्मान करने की बात नहीं है। सब ऐसे तो जगत में अपमान हो जाएगा, किसी को कोई गुरु मानेगा ही। अरे निमित्त कहता है कि उनकी स्थापना की है ना, कि निमित्त है, इसको कब मना कर रहे हैं कि बाहर में जो गुरु है, बाहर में जो समझने समझाने की व्यवस्था है तो है निमित्त की अपेक्षा से, लेकिन निमित्त से कार्य होता हो इस भ्रम में नहीं रहे, किसी के समझाने से समझ में आता हो इस भ्रम में नहीं रहे, कि जब स्वयं की योग्यता होती है तभी समझ में आता। दूसरा पॉइंट ये भी तो है कि हमारे अंदर जो समझाने समझाने की भावना रहती है कि मैं समझा दूं और सामने वाला ना समझे तो कषाय उत्पन्न करता है कि मेरे समझाने से भी नहीं समझा तो दुनिया में कहां समझे, तो ये भावना अंदर प्रकट होती है नहीं होती। दिन रात बच्चों को समझाते हैं कि अरे अब तो समझ जाओ, हम हैं तब तक समझ जाओ, हम चले जाएंगे तो कौन समझाने वाला रहेगा। अरे इस भ्रम में नहीं रहना कि आप ही समझाने वाले हो, जब समझ में आना होगा तो आपके जाने के बाद भी समझ में आ जाए। हमारे अंदर जो भावना थी कि अंदर कोई इच्छा बनी रहती है कि मैं समझा दूं और मेरे समझाने पर यदि कोई ना समझे तो क्रोधी होते, आग बबूला होते,
मैंने इतना समझाया, लाख बार समझा चुके, क्या कहे साहब आपसे, इतना समझाया है, इतना समझाया है, उनकी वो बुद्धि पे पत्थर पड़ते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि वो उसकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं या स्वयं की बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। विचार करें कि समझाने से यदि समझ में आ जाए तो वस्तु व्यवस्था गड़बड़ा जाए, ये वस्तु व्यवस्था में ही नहीं है ना कि समझाने से समझ में आ जाता हो, यानी जब समझ में आना हो तब समझ में आता है, और तब आप कुछ एक शब्द भी ना कहे, इशारे ही करे तो समझ जाए, और जब समझ में नहीं आना हो तो बोल बोल कर भी समझाया जाए तो भी समझ में नहीं आता। कौन किसको समझाए, कौन किसको समझाने वाला है कि यहां ये कहकर के कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, या दोनों ही बातें से बातों बातें सिद्ध हुई कि कोई मुझे समझा नहीं सकता है और मेरे समझाने से किसी को समझ में आता नहीं है। मुझसे समझ जाएगा ये मिथ्यात्व कि मैं समझा सकता हूं जगत की भाव, जगत के कल्याण की भावना होना ये पुण्य भावना है, लेकिन मैं जगत को समझा सकता हूं ये मिथ्यात्व है। अनंत सिद्ध भगवान की जब परिभाषा लिखी मोक्षा प्रकाश ग्रंथ में, अनंत भगवान की परिभाषा में लिखा कि जो गृहस्थ पना त्याग कर, और सिद्ध भगवान की परिभाषा में लिखा कि जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर, क्या अंतर है कि गृहस्थ अवस्था माने बाहर जो घर गृहस्थी है उसको छोड़ करके, लेकिन गृहस्थ पना छोड़ना अर्थात कि घर गृहस्थी के प्रति का जो राग है उसको छोड़कर कि मैं घर गृहस्थी चलाता हूं, मेरे करने से कार्य होता है, मैं रुपए पैसे कमाता हूं, ये घर गृहस्थी के प्रति पना, वो गृहस्थ पना है, उसको छोड़ करके, माने बाहर में घर गृहस्थी छोड़ दी तो ठीक है, लेकिन घर गृहस्थी के प्रति एकल कमर पर छूटा या नहीं, वो गृहस्थ पना त्याग करके वो परिभाषा में लिखा, माने वो शब्द को उन्होंने हाईलाइट किया। विटोड़न मंजी की इतनी दूरदृष्टि थी, वो कोई व्यक्ति यदि हम मात्र इतना लिखे कि गृहस्थ अवस्था त्याग करके, तो जीव इतना ही समझे कि घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और हो गया, इतना कहने से कार्य नहीं होगा कि घर गृहस्थी के प्रति जो पना अर्थात मोह है उसको भी छोड़ना होगा, कि जब तक वो नहीं छूटेगा तब तक वो गृहस्थ का घर गृहस्थी का त्याग दिख कहलाएगा, तो उसके प्रति वो एकत्र समझ कर छूटना जरूरी कि मैं कर सकता हूं, मैं करने वाला हूं, ये मान्यता ये मोह का लक्षण मिथ्यात्व है। चारित्र मोह के बस जो राग आता है वो आएगा, वो पुण्य, वो पुण्य बंध का कारण है, लेकिन मैं कर सकता हूं ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के बंध का कारण। ज्ञानी जीवों को भी जगत के कल्याण की भावना होती है, लेकिन मैं जगत का कल्याण कर सकता हूं ये मिथ्या मानता हूं, उनकी नष्ट हो गई, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आदिनाथ भगवान विचलित नहीं हुए, मैं जगत को दुनिया को तो एक तत्व ज्ञान बता रहा हूँ, मोक्ष जाने का रास्ता सिखा रहा हूँ, और ये उनसे पहले मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, यानी जो उपदेश दे रहे हैं वो तो समस्त शरण में विराजमान है, और कितने जीव वो समस्त शरण में दिव्य ध्वनि सिद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, और वही एक जीव मारीची का जीव है जो समस्त शरण से भी पूरा का पूरा वापस आए। तो आदिनाथ भगवान विचलित हुए होंगे कि अरे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को तो समझा दिया और अपने घर में नहीं समझा, विचलित हुए हो, क्यों विचलित नहीं हो, तो ये वस्तु व्यवस्था को जानते हैं ना, जिनके हाथों में तत्व ज्ञान है, जिनको ये तत्व ज्ञान समझ में आ गया है उनको कोई अज्ञान ही नहीं बना। दोनों बातें आई कि जो अज्ञानी है उनको ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, और जो ज्ञानी है उनको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। जिन्हें तत्व ज्ञान समझ में आ गया है
अब कितनी विपरीत निमित्त भी उपस्थित क्यों ना हो जाए, वो विपरीत निमित्त मिलकर के उनको अज्ञानी नहीं बना सकते। देखिए तथा परमनंदी पंचमेश्वरी का में कहा है कि जिसके भय से घबरा कर दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दे, यहां वहां भाग जाए, ऐसा वज्र पड़ने पर भी प्रशम भाव संपन्न योगी जन योग से अर्थात ध्यान से चलायमान नहीं होते, तो जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रदीप से मोह रूपी महाअंधकार का नाश कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शेष परिश्रमों के आने पर क्या चलायमान होंगे? नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं हो। माने आचार्यों का उदाहरण लेकर की बात की कि उनके ऊपर जितने उपसर्ग होते हैं, परिचय होते हैं, फिर भी वे चलायमान क्यों नहीं, कि उनके हाथों में वो तत्व ज्ञान है। अब उनको तत्व ज्ञान की समझ हो गई है कि उस ज्ञान रूपी प्रदीप से मोह रूपी महाअंधकार का नाश कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शेष परिश्रमों के आने पर क्या चलायमान होंगे? कि चलायमान नहीं होते। फिर एक बार जो ज्ञानी है उनको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। कितनी ही विपरीत निमित्त हो, परिचय हो, उपसर्ग हो, लेकिन उनको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार तो बाह्य निमित्त उड़ जाएंगे अर्थात उसका निराकरण हो जाएगा, ऐसा यहां कहते हैं। कोई कहे कि भाई ऐसे तो फिर निमित्त ही उड़ जाएंगे, समझने समझाने वाला ही कोई नहीं बचेगा। कि अन्य गुरु, अन्य अर्थात गुरु तथा शत्रु आदि प्रकृत कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में निमित्त मात्र है, क्योंकि वहां योग्यता ही साक्षात साधक है। तो भाई निमित्त उड़ नहीं जाएंगे, कोई कहीं उड़ने वाला नहीं है, वो निमित्त की स्थापना की, जैसे वो धर्म द्रव अधर्म द्रव की मौजूदगी है या नहीं है, या उनका अभाव हो गया है। यहाँ जो आप कर्म देते हो कि ऐसे तो निमित्त उड़ जाएंगे, कि निमित्त उड़ गए कि अनादि काल से वैसे के वैसे है, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य वैसे के वैसे मौजूद है या नहीं, किसी का अभाव हुआ, किसी का अभाव नहीं। यहाँ पे निमित्तों के उड़ने की बात नहीं, यहाँ तो स्थापना की, वो निमित्त है, जैसे वो धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त है। हाँ, लेकिन इतना है कि निमित्त ही है, करने वाले नहीं। जिसकी जितनी शक्ति है उस उतनी शक्ति के रूप में उनको स्वीकार किया है ना, जब चलने रूप कार्य होगा तो धर्म द्रव्य की मौजूदगी होगी ही होगी, लेकिन धर्म द्रव्य चलाने वाला हो ऐसा नहीं। मछली यदि तैरेगी तो वहां पानी की उपस्थिति होगी ही होगी, लेकिन पानी तैराता हो कि ऐसा नहीं। यहाँ पे निमित्तों का अभाव नहीं किया जा रहा, गुरु का अभाव नहीं किया जा रहा। बाहर में जो गुरु है वो गुरु है, जो समझने समझाने की व्यवस्था है वो वैसी की वैसी है। यदि ना हो तो तीर्थंकर उपदेश क्यों, क्या उन्हें नहीं पता कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो फिर क्यों समझाए, क्यों देवध्वनि करती है? ये भी वस्तु व्यवस्था है। इस संसार अवस्था में जो जितना राग है उतना समझाने का भाव आता है, लेकिन वो राग समझाने का भाव मात्र है, मैं समझा सकता हूं ये अज्ञान का, समझाने का भाव आना ये अलग बात है, और मैं समझा सकता हूं, मैं समझाने वाला हूं ये अज्ञान। अरे पूज्यपाद स्वामी ने भी स्टोव देश ग्रंथ की रचना की या नहीं, तो किस भावना से की हो, कि जगत का अकल्याण हो इस भावना से, ये जगत का कल्याण हो इस भावना, जगत की कल्याण हो इस भावना से ग्रंथ की रचना की है, लेकिन मैं जगत का कल्याण कर सकता हूं हो ही जाएगा, कि ये अज्ञानता है, ये मिथ्यात्व है। अरे राग है तो इसलिए ग्रंथ की रचना हुई,
लेकिन इस रचना से किसी का कल्याण हो ही जाएगा ये मानना ज्ञान का है। तभी तो वे स्वयं आचार्य लिख रहे हैं, यदि इस भ्रम में मत रहना कि मैं समझाने वाला हूं कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं किया जा सकता और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं किया जा सकता। जब जिसकी जैसी योग्यता भक्ति है तब अनुरूप कार्य होता है और वहां दिक्कतों की मौजूदगी होती ही। कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो वह केवली के पादमूल में किया ऐसा कहने में आता है, लेकिन हजारों जीव केवली के पादमूल में है, कितनों को सम्यक दर्शन हुआ? कि जिनको नहीं हुआ तो फिर वहां भी ये कहना पड़ेगा कि केवली के कारण नहीं हुआ। यदि केवली के कारण होता है तो फिर वहीं पे इतने जीव है जिनको नहीं हुआ तो वहां भी ये कहने में आए। वास्तविक स्थिति तो ये है कि कोई किसी को करने वाला नहीं। यहाँ जैसे मात्र समझने समझाने में घटित किया है, ऐसे जगत के प्रत्येक कार्य में घटित करना। रुपए पैसे कमाने वाला कौन है? घर गृहस्थी को चलाने वाला कौन है? हर जगह बात का निर्णय करना कि मेरा कर्तृत्व कहां पर है। जैसे यहाँ पे सिद्ध किया कि मैं समझाने वाला नहीं हूं, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, माने निमित्तों से कार्य नहीं होता। अब इस बात को हर बात पे घटित करना ये हमारा कर्तव्य है। तो आचार्य ने इशारा कर दिया है और उसको समझना वो हमारे हाथों में कि मैं जगत का कर्ता नहीं कि कदाचित कहीं मेरे होने से कार्य हो जाए तो इस भ्रम में नहीं रहना कि मैंने कार्य किया है, मात्र मौजूदगी थी, निमित्त बने लेकिन कर्ता नहीं। हर जगह घटित करने जैसी बातें हैं, या तो मात्र एक जगह घटित करके बताया है कि कौन किसको समझाने वाला, कि कोई किसी को समझा नहीं सकता है। इसलिए आगे बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है, पर जैसे पूज्यपाद स्वामी हो और उनके सामने शिष्य बैठे हो उनके और उनको उपदेश दे रहे हो बहुत करुणा भाव से कि कहां समझने समझाने में लगे हो, कौन किसको समझा सकता है कि अरे जगत का कर्तृत्व का बोझ छोड़ करके अपनी आत्मा में ही। बहुत सुंदर श्लोक वो आगे आने वाला है, यानी प्रेरणा दे रहे कि हम कर्तृत्व का भार हटा करके अपनी आत्मा में ही होना, समस्त विकल्पों का त्याग करके वो एकमात्र जो कार्य है, क्या कार्य है, अपनी शुद्धात्मा में ही एकाग्रचित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में कौन किसको समझा सकता है कि जब तक ये समझाने का विकल्प रहेगा तब तक तो तत्व ज्ञान समझ में नहीं आए। क्या कह रहे हैं कि जब तक मैं समझा सकता हूं ये बात अंदर बैठी हुई है तब तक ये तत्व ज्ञान स्वयं की समझ में आने वाला नहीं। तत्व ज्ञान कब समझ में आएगा? जब अंदर से ये भावना मिटेगी कि मैं समझाने वाला हूं। वास्तविक स्थिति ये है कि कोई किसी को समझने वाला नहीं। अरे स्वयं के साथ ऐसा कितनी बार होता है कि कोई हमें बहुत समझा रहा हूं और समझ में नहीं आता और घर जाके जब विचार करते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं और फिर समझ में आ जाता है, अरे इतनी सी बात थी और सामने इतनी देर समझाते रहे और तब समझ में नहीं आया और थोड़ा सा दूर जाकर के विचार किया तो तुरंत ध्यान में आ जाता है, अरे ये बात थी, इतनी सी बात थी। और इतनी सी बात भी तो हजार बार समझाने पे समझ में नहीं आती। वास्तव में कोई किसी को समझाने वाला नहीं, स्वयं की जब योग्यता होती है तो समझ में आ जाता। तो ये बात कहकर के इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, यदि कोई नहीं समझता हो तो उसके प्रति कर्षाय करना योग्य नहीं। इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं ज्ञानी और सामने वाला अज्ञानी, कि हो सकता है आप यहीं के यहीं रह जाओ और सामने वाला तुरंत अपना कार्य करके निकल, हो सकता है आप रोज स्वाध्याय करते हो और तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता हो और जिसे हम आज तक अज्ञानी समझते आ रहे हैं वो एक तत्व उपदेश सुने और अपना कार्य करें।
ये भूति मुनिराज का उदाहरण आता है। ये तो सुभाष मित्र इतना सा सुना और अब तक कार्य कर दिया। उनकी कथा आती है कि संघ से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और जब उन्हें तो सुभाष मित्र वाला प्रसंग घटा तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आकाश मार्ग से देवता विहार कर रहे तो उनको देख करके जो उनके संघ के पूर्व मुनिराज थे उन्होंने अपने आचार्य से पूछा ये जो देवतागण है वो आकाश में विहार क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो शिवभूति मुनिराज हमारे संघ से निष्कासित कर दिए गए थे उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो कौन अज्ञान है माने इस अज्ञानता में नहीं रहना कि सामने वाला जड़ बुद्धि है अज्ञानी है इसलिए उसके प्रति कषाय करना वो योग्य नहीं। आपके समझाने से समझ में नहीं आता है ये तो वस्तु व्यवस्था है। समझाने से समझ में आएगा भी नहीं जब उसको समझ में आना होगा तो निमित्त कोई नहीं बन जाए इसलिए कषाय करना योग्य नहीं है। या ये बात क्यों कही जा रही है ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि सामने अब जो गुरु हो उनका अपमान करने लग जाए अब उनको गुरु गुरु ना माना। अरे बाहर में जो निमित्त है वो तो है तीर्थंकर भगवान परम गुरु है उनको परम गुरु माना गया है। भजन आता है परम गुरु बरसत ज्ञान चले वो तीर्थंकर भगवान अनंत भगवान तो परम गुरु है वो गुरु शिष्य की व्यवस्था तो है लेकिन ये बात यहाँ पे क्यों कही जाती कि हम जो एक क्रोध करने लगते हैं हम जो कषाय करने लगते हैं कि मेरे समझाने से भी नहीं समझता है कि कषाय करना योग्य नहीं। समझने समझाने का विकल्प आएगा वो एक अलग बात है लेकिन उसी में अटके रह जाएंगे तो जो अपना मूल उद्देश्य है मूल कार्य है वो पीछे छूट जाएगा। अपना मूल कार्य तो अपनी शुद्धात्मा शुद्धात्मा में एकाग्रचित होना वही करने योग्य कार्य है और जो ऐसा कार्य करते हैं उनको समझाने का भाव सहज आता है। मैं समझा सकता हूं ये मिथ्यात्म का अभाव हो गया विचार अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप नंबर 16 से नंबर 24 नंबर 16 बहुत जन तारे प्रकाशी जग के ब्रह्म सब छय कर डारे तेरी ज्योति निरखल जावस रवि शशि छिपते नेत विचारे कसायन से नहीं कर्म शत्रु नहीं जाए निवारे तब तक ज्ञान आनंद रहे नित सब जीवन ते समतारे
feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure.